ये तो गुलाब है, दानव की पत्नी। गुलाब हुआ, गुलाब क्या हुआ? दानव ने फिर से तुम्हें मारा? ओह नो, आई एम श्योर उसने मारा होगा उसे। रात्रि का पर्व है और दानव ने घर की देवी को ही मारा। दानव को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही बात है। अरे उन्हें तो सजा मिल रही है। मतलब वो गोकुलधाम के नवरात्रि बिगाड़ने के लिए उन्होंने बाहर लाइट के तार को काट दिया। उन्हें करंट लग गया और वो अभी बेहोश है। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। अरे लेकिन वो तो मुझे कितना मारता है, परेशान करता है, फिर भी तू उसे बचाना चाहती है? वो मेरे पति हैं, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। गुलाब चिंता मत करो, मेरे पति डॉक्टर हैं। डॉक्टर हंसराज आती। डॉक्टर साहब उन्हें बचा लीजिए, डॉक्टर साहब उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाथी भाई जल्दी चलिए। हाँ गोली बेटा जल्दी से मेरी मेडिकल बैग ले आओ। अभी आगे जाइए, मैं बैग लेकर आता हूँ। ये देखो भारतीय नारी, पति के इतने जुल्म सहने के बाद भी उसी को बचाने के लिए तड़प रही है। माता जी दानव की सुरक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। आइए आइए, वो देखिए वो रहे। उठिए सुनिए, दानव गुस्सा लग रहा है। तो अति भाई लगता है बहुत जोर का झटका लगा है। ने जब देखा तो इन्हें शॉक लगा था। और लकड़ी से मारकर मैंने इनको करंट से अलग किया और मुश्किल से यहां तक खींच कर ले आई। सुनिए सुनिए, आप ठीक है? आप ठीक तो है ना? अरे उठिए, सुनिए उठिए, डॉक्टर साहब इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए आप चिंता मत कीजिए, खतरे की कोई बात नहीं है। क्लिनिक जाते ईसीजी करूंगा तभी बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। चलो इसे मेरे क्लिनिक ले चलो। यारो आराम से संभाल के, यारो इसको मेरे कंधे पे डालो। तब तक मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि सप्लाई में प्रॉब्लम कहाँ से है। मैं भागे के साथ। आइए आइए, उठाओ उठाओ, आराम से संभाल के। आराम से छोटी भाई संभाल के। हाँ चिंता मत करना पोपट भाई, संभाल के। हाँ 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 भिड़े भाई, दानव जी को लेकर आ रहे। सॉरी जल्दी से मेरे क्लिनिक में ले चलो चलो। दानव का बस हाई वोल्टेज करंट लगा है। आओ आओ सब लोग प्रार्थना कीजिए।
मेरे पति को कुछ ना हो। बागेश्वर जी कहाँ रह गए? बागा वो पावर फेल हुआ है ना, उसका फॉल्ट ढूंढ रहा है। हाँ सर, यहाँ लेटा दो इसे। पापा, इसी की मशीन। हाँ, बिना रखो यहाँ पे। थोड़ी पीछे जाओ जरा। का? थोड़ी ये बैटरी पकड़ो। अरे पर हाथी पर इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो फिर ये इसी जी मशीन चलेगी कैसे? थोड़ी ये मशीन बैटरी पे भी चलती है। हाँ। ये बाघा को लाइट का फॉल्ट ढूंढने में काफी टाइम लग गया नहीं? हाँ। बागेश्वर जी की मदद करने। नहीं नहीं, वो बहुत होशियार है, वो अकेला लाइट चालू कर देगा। राहुल भाई, हाँ। ये पैनल तो बराबर है, ये चेक कर लेता। हाँ हाँ, देखिए देखिए। लगता है बागा को अभी तक पावर फेलियर का फॉल्ट नहीं मिला। क्या हुआ? तो आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इतना हिल क्यों रहे थे? तो मैं देखा था सब ठीक चल रहा है ना। अरे सब ठीक चल रहा है, ये लीजिए, मुझे पकड़ दीजिए। अरे मुझे लगा आपको शौक लग गया। नहीं 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 करो। माता जी की कृपा से ये ईसीजी रिपोर्ट तो अच्छी आई है, और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अंदरूनी या बाहरी कोई चोट नहीं लगी है। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, इन्हें होश तो आ जाएगा ना? देखिए, इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से ज्यादा मानसिक शॉक लगा है, इसकी वजह से ये बेहोश हो गए। और आप चिंता मत कीजिए, जल्दी होश में आ जाएंगे। और सेफ साइड के लिए कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, वो आप कल करवा लीजिएगा। ये टेस्ट करवा लीजिए। इन्हें होश आ गया, इन्हें होश आ गया। अब ठीक हो? अब ठीक है ना दानव? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं कहाँ हूँ? गोकुल धाम में। ओए वैसे तो तेरी करतूतों के लिए तुझे होना चाहिए था जेल विच। ये तो रब दा शुक्र मना कि तू जिंदा है, और अभी तू डॉक्टर हाथी दे क्लिनिक विच है। हाँ, और आपका इलाज चल रहा है। इलाज? मुझे क्या हुआ और मुझे यहाँ लाया कौन? दानव, ये सब बाद में बताता हूँ, पहले जो मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ वो खा लो। लीजिए, इन्हें ये दवाई खिला दीजिए। I really hope that दानव की सिचुएशन ज्यादा टेंशन वाली ना हो। हाँ, देवा करे उनकी कंडीशन एकदम नॉर्मल हो। आओ, आराम से, आराम से आओ। और बैठ जाओ यहाँ। आ रहा हूँ।
देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने दानव को ट्रीटमेंट दे दी है, अब वो खतरे से बाहर है। सब माताजी की कृपा है। देखा, आप इन भले गोकुलधाम वालों को परेशान कर रहे थे और इन्होंने आपकी जान बचाई है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बदतमीजी की, नवरात्रि में आप लोगों को परेशान किया। आप लोगों की नवरात्रि बिगाड़ने के लिए मैंने लाइट का कनेक्शन काटा और मुझे करंट लग गया, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली। मैं आप लोगों का अपराधी हूं। हाँ, तुम अपराधी हो, पर हमसे भी पहले तुम अपनी पत्नी गुलाब के अपराधी हो। एक स्त्री घर की देवी होती है और तुम उसे ही परेशान कर रहे थे। स्त्री सम्माननीय, वंदनीय, दया और त्याग की मूर्ति होती है, घर वालों के लिए अन्नपूर्णा होती है। साल के 365 दिन बिना छुट्टी लिए घर का सारा काम संभालती है। हमारे देश में ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जो नौकरियां करती हैं, व्यापार करती हैं और घर चलाने के लिए अपने पति को आर्थिक सहायता देती। स्त्री की मेहनत और उसके हृदय की विशालता जानना चाहते हो तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए घर पे रह के देखो और उसकी तरह घर संभाल के देखो, तब समझ आएगा कि स्त्री में कितनी समझदारी, सहनशीलता और शक्ति है। करेक्ट है जी। और इसीलिए स्त्री को देवी शक्ति का रूप कहा जाता है। वाह वाह मेहता साहब, वाह। तुम इतनी भोली बेटी का सम्मान करने की बजाय उसका अपमान कर रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अगर सच में माफी मांगनी है तो हमारी नहीं, अपनी पत्नी की माफी मांगो। हाँ। ओए खोतिया, शर्म कर। आज तेरी उसी औरत ने जान बचाई है जिसको तू रोज पीटता था। ओए अपनी जान की परवाह किए बगैर वो तुझे जिंदा तार से यानी मौत के मुंह से खींच कर लाई है। हाँ। गुलाब। अरे नहीं नहीं, गुलाब, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैं तो तुम्हारी माफी मांगने लायक भी नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो और जो सजा देनी है वो दो, लेकिन मुझे माफ कर दो गुलाब, तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं, लेकिन मुझे माफ कर दो गुलाब, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे गुनाह का। अरे नहीं, आप माफी मांगकर मुझे पाप में मत डालिए, आप मेरे दुख को भूल जाइए, आप सुरक्षित हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़े सुख की बात है। तन्ने तन्ने तू नारी तन्ने। नहीं नहीं, मैं पापी हूँ,
तुम्हें दुख दिए, तुम्हें मारा, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। दानव, तुम्हारे पाप माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम सच्चे मन से अपने पाप धोना चाहते हो तो गुलाब को वचन दो कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। कभी उसे मारना तो दूर की बात, गलती से डांटना भी नहीं। करेक्ट, करेक्ट। उसके जीवन में कांटे की तरह नहीं, गुलाब की खुशबू की तरह महकोगी। बागेश्वर जी जैसे बेस्ट साथी बनो मानव जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे नहीं बाउरी, पहली बार गलती से सही बोला है तुमने। दानव मानव बन गए हैं। मैं माता जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं गुलाब को कभी दुखी नहीं करूंगा। ये दानव, आज दानव में से मानव बन गया। आप सब लोगों की वजह से मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब, तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो और हंसती रहो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, दानव हमारे नवरात्रि खराब करने के लिए लाइट की तार काटने गया, पर तुम वहां कैसे पहुंची? हाँ। आज रात घर से निकलते समय ये कह रहे थे कि गोकुल धाम वालों को नवरात्रि मनाने नहीं दूंगा, और ये सुनकर मैं इनके पीछे पीछे चली गई। जब मैंने इन्हें देखा तो ये कटी हुई तार से चिपके हुए थे। देखा दानव, तुम्हारी पत्नी की अच्छाई ने तुम्हारी जान बचाई, और जो दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है, समझे? हाँ हाँ, मैं समझ गया। बाघा का फोन। बागेश्वर जी। हाँ बोलो बाघा। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या हुआ? क्या बोला उन्होंने? हाँ क्या बोला? अरे भाई दाना, तुमने वहाँ पे ऐसा क्या कर दिया, उसको फॉल्ट मिल ही नहीं रहा है। उत्तरी, वो फॉल्ट मेरे सिवाय किसी और को नहीं मिलेगा। है? लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वो उसे ठीक कर दूंगा। आप लोग बस गरबा खेलने की तैयारी कीजिए। चल चल दाना, चेती चल। हो गया। हर्ष बुलंदे मात की। अब होगा कौकुल धाम सोसाइटी में मस्त गरबा। हेलो अच्छी पहला चालो 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 चलो जल्दी जल्दी। आखिरकार दानव को अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस स्त्री पे वो अत्याचार कर रहा था, उसी स्त्री ने उसकी जान बचाई। इसलिए तो कहते हैं कि स्त्री करुणा की मूर्ति होती। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अत्याचारी अत्याचार तब तक करता है जब सामने वाला अत्याचार सहता है। तो जब अत्याचार की शुरुआत हो तो उसका प्रतिकार करें, उसका सामना करें, चुपचाप जुल्म ना सहते रहें, वरना अत्याचारी के हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अपने आसपास हो रहे अत्याचार के लिए आवाज भी उठाएं, जैसे हमारी गोकुल धाम की महिला मंडल ने उठाया। दोस्तों, एक स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक स्त्री माँ बनकर बच्चों का पालन पोषण करती है, और पत्नी के रूप में अपने पति का घर परिवार संभालती है। आज की नारी पैसे कमाकर घर की आमदनी बढ़ाती है, और साथ में अपने घर को भी चलाती है। पत्नी अपने जीवन में कई पात्र निभाती है, इसलिए तो कहा जाता है, नारी तू नारायणी है। और आज गोकुल धाम में एक दानव को मानव बना दिया गया।
अब दोस्तों गोकुल धाम में नवरात्रि का गरबा बाकी है और रावण दहन भी बाकी है, तो अब रावण दहन में क्या नया हंगामा होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रावण महाज्ञानी थे, बहुत बड़े शिव भक्त, लेकिन उन्होंने स्त्री का सम्मान नहीं किया, माता सीता का अपहरण किया, और तब से रावण दहन की प्रथा शुरू है। और यदि रावण ने अपने अंदर के दानव का पहले ही दहन कर दिया होगा तो आज उनकी कथा और दशा दोनों अलग हो। तो बोलिए शक्ति स्वरूप देवी माँ की। प्रभु श्री राम की जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.